हेलो दिस इज ओपे गुप्ता योर मैथ मैथमेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपे गुप्ता आज के एमसीक्यू लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का चलिए मैं आपको दिखाता हूं सो टूडे वी आर गोइंग टू टेक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री तो क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं बेटा आज के टेस्ट के क्वेश्चन का सोल्यूशन क्वेश्चन वन में क्या बोला हुआ है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सेस इस पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या आएगा वाई एक्सिस के ऊपर जा रहे हो ध्यान रखना तो एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे और कोऑर्डिनेट वही रहेगा जो इस पॉइंट में आपको दिख रहा है आपके पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं अगर इसे मैं पॉइंट पी बोलूं और इसे पॉइंट क्यू बोलूं तो पॉइंट क्यू क्या है पॉइंट पी से वाई एक्सिस के ऊपर जो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका कोऑर्डिनेट आपको पॉइंट q में मिल रहा होगा आपको डिस्टेंस pq निकालना है ताकि आप पॉइंट p का डिस्टेंस y एक्सिस से लिख सको समझे अब यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा x2 minus x1 होल स्क्वायर यानी अल्फा जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर बीटा बीटा मतलब 0 का स्क्वायर लिखना है तो लिख लो प्लस z2 z1 होल स्क्वायर यानी गामा स्क्वायर अब ये आपके कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन डी को चेक करिए क्वेश्चन वन का ऑप्शन डी ठीक हो गया ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं यहीं पर आपको दिख रहा होगा इफ द डायरेक्शन ऑफ अ ऑफ आर के कोमा के कोमा के तो आपको के के ऊपर कंडीशन निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस की हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हम एलिमेंट से दिखाएं तो ये प्रॉपर्टी होती है ठीक है यहां पर एल एम और एन तीनों का मतलब के है मतलब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी आपको मिल जाएगा थ्री के स्क्वायर इज इक्वल टू वन यहां से के स्क्वायर की वैल्यू आएगी वन बाई थ्री देखो ध्यान से तो फिर यहां से के की वैल्यू क्या आएगी बेटा पॉजिटिव वन बाय रूट थ्री या नेगेटिव वन बाय रूट थ्री समझे यानी ऑप्शन डी यहां पर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन टू के लिए एक बार ध्यान से सुनना इस समय आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला चैप्टर कर रहे हो मतलब लाइन के बारे में बातें हो रही हैं अगर यहां पर लाइन की जगह वेक्टर लिखा होता इफ द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आर के कोमा के कोमा के तब के के ऊपर क्या कंडीशन आती ये मुझे कमेंट करके बताना समझे लाइन की जगह पे अगर वेक्टर लिख दें तो फिर क्या कंडीशन आएगी क्वेश्चन थ्री में चलते हैं बच्चों क्वेश्चन थ्री ये रहा द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी दो पॉइंट है इनको ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन बनेगा उसका डायरेक्शन रेशियो आपको लिखना है फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन कोमा वाई टू माइनस वाई वन कोमा जेड टू माइनस जेड वन यानी टू माइनस जीरो थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस वन एक बार चेक करिए कौन से ऑप्शन में है टू माइनस वन माइनस टू ऑप्शन ए को देखो ठीक है टू माइनस वन माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स वन किया वाई टू माइनस वाई वन किया जेड टू माइनस जेड वन किया फॉर्मुला मैंने आपको बोल के बता दिया है दो बार क्वेश्चन फोर को देखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेने जा रहे हैं तो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स तो जीरो होंगे सबसे पहले इसी को देख लो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट कहां पर जीरो हैं यहां पर है यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा मैंने एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बताया यहां पर जो भी गिवन पॉइंट है ना उसी का एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर आ जाएगा मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर में आ जाएगा क्वेश्चन वन में भी तो ऐसा ही कुछ बताया था मैंने ठीक है चलिए वहां पर वाई एक्सिस की बात हो रही थी लेकिन क्वेश्चन फाइव में क्या बोला हुआ है बच्चों क्वेश्चन फाइव को पढ़िए पी इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दो पॉइंट दे रखे हैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसी के ऊपर पॉइंट पी है इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज फाइव तो आपको पॉइंट पी के वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का सम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा ठीक है तो ये हम कैसे करेंगे एक्स माइनस थ्री वाई z माइनस ऑफ माइनस वन यानी z प्लस वन आ जाएगा और नीचे हम डायरेक्शन रेशियोज लिखने वाले हैं मैं यहां पर निकाल लेता हूं पहले सिक्स माइनस थ्री यानी थ्री टू माइनस टू यानी जीरो माइनस टू माइनस ऑफ माइनस वन यानी वन माइनस टू यानी माइनस वन आ जाएगा तो ये बनेगा थ्री जीरो दिस इज माइनस वन इसे हम लेमडा के इक्वल रखेंगे और यहां से अब आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेंडम पॉइंट लिख लो इन टर्म्स ऑफ लेमडा जिसे हम पॉइंट पी बोल देंगे तो ये बनेगा थ्री लेमडा प्लस में थ्री एक्स की वैल्यू निकाल ली है मैंने फिर यहां से आपको वाई की वैल्यू सिर्फ टू मिलेगी ध्यान से देख लो Z के लिए आपको मिलेगा माइनस लेमडा माइनस वन ठीक है इस रेंडम पॉइंट में X कोऑर्डिनेट क्या है और आपके क्वेश्चन में X कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे यानी थ्री लेमडा प्लस थ्री को हम फाइव के इक्वल रखेंगे यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री फाइव माइनस थ्री यानी टू अपॉन थ्री लेमडा आ चुका है अब यहां से आपको सम निकालना है किसका वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट पी के लिए जो भी वाई कोऑर्डिनेट है और जो भी जेड कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हें इन दोनों का सम निकालना है वाई कोऑर्डिनेट प्लस जेड कोऑर्डिनेट लेमडा की वैल्यू पुट करनी होगी वेट करिए यह पूरा क्या बनेगा टू माइनस वन यानी वन माइनस लेमडा लेमडा की वैल्यू क्या है टू बाई थ्री लेंगे वन बाई थ्री आ जाएगा वन बाई थ्री का मतलब ऑप्शन ए को चेक करिए क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन ए सही हो गया ठीक है बच्चों ध्यान से देखिए मेरी बात समझे कि नहीं आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं नाउ वी द एंगल्स दैट अ लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्स रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब ये डायरेक्शन एंगल्स हैं दे आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन डायरेक्शन एंगल्स अब नॉर्मली डायरेक्शन एंगल्स को अल्फा बीटा और गामा से दिखाता है लेकिन यहां पर अल्फा बीटा गामा का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जो भी डायरेक्शन एंगल्स होते हैं उनके कॉस की वैल्यू हम लिखते हैं तो कॉस थीटा कॉस बीटा एंड कॉस फाइव ये इस लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस का काम करेंगे ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन तो नहीं थीटा बीटा ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाले को ध्यान से देखना इसे हम मार्क क्यों नहीं कर रहे यही तो डायरेक्शन को साइंस की वैल्यू होती है फिर भी हमने ऑप्शन सी को मार्क क्यों नहीं किया क्योंकि आपके क्वेश्चन में डायरेक्शन एंगल्स की वैल्यूज क्या दे रखी है उसको फोकस में रखना फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन सी को हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन बी को हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है, है बच्चों इसके बाद क्वेश्चन सेवन को लेते हैं क्वेश्चन सेवन में क्या बोला हुआ है द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट इज प्रपेंडिकुलर टू विच एक्सिस इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है तो सबसे पहले काम करिए इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाला जो भी लाइन है ना अगर मैं पॉइंट्स को ए और बी बोल दूं तो लाइन ए बी की बात हो रही है इस लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशोज क्या आएंगे तो माइनस थ्री माइनस वन यानी माइनस का फोर एक्स टू माइनस एक्स वन फिर वाई टू माइनस वाई वन यानी फोर माइनस करोगे टू आएगा Z2 टू माइनिस जेड वन यानी जीरो आएगा ठीक है अब यहां पर हमें बताना है कि लाइन ए बी कौन सी एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कंडीशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइंस में ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई हो जाए तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती हैं इसे हम ए वन बी वन सी वन बोल देंगे अब जरा हम ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं मतलब ए टू बी टू सी टू के लिए हम जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशोस की बात करेंगे तो ये आएगा जीरो बन गया ए टू बी टू सी टू ये बन गया ए वन बी वन सी वन अब इन्हें इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं जीरो इंटू माइनस फोर प्लस जीरो इंटू टू प्लस वन इंटू जीरो बात तो बन गई मतलब आपकी लाइन ए बी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है यानी ऑप्शन ए यहां पर ठीक हो जाएगा वैसे ऑप्शन बी में एक्स एक्सिस बोला हुआ है इसके लिए डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती है ये होती है समझे इसलिए अगर आप इसे ए टू बी टू सी टू बोलते ये रहा ए वन बी वन सी वन तो यहां पर फॉलो करके देख लो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी वैसे बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताना कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं यह रहा क्वेश्चन नंबर एट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछा हुआ है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को मतलब वन जीरो जीरो सबसे पहले इसे हम ऑप्शन में देख लेंगे कहां पर है वन जीरो जीरो सिर्फ यहीं पर है और किसी ऑप्शन में नहीं है यानी ऑप्शन ए ही यहां पर ठीक होगा लेकिन बेटा इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो ठीक है एक्सिस का डायरेक्शन आपको मिल गया है अब उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजन बोल सकते हैं वैसे तो और भी पॉइंट होते हैं लेकिन ओरिजिन को हमने कंसिडर किया फॉर्मूला लगाया एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन और नीचे ए बी सी यानी वन जीरो जीरो सिंप्लीफाई करो बेटा आपको यही मिल जाएगा ऑप्शन ए मैं पहले ही बता चुका हूं इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं क्वेश्चन नाइन में क्या है मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सेस कोई लाइन है जो कि इक्वल एंगल बना रही है विद कोऑर्डिनेट एक्सेस तो आपसे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू पूछी गई है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन जो भी लाइन है उसके लिए डायरेक्शन एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है और हमें यह पता है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यह प्रॉपर्टी होती है यह सब वन के इक्वल होता है ठीक है यहां पर आप अल्फा, बीटा गामा तीनों को इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा थ्री टाइम्स कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू वन तो यहां से कॉस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री मतलब डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या आएगी इसे देखिए ऑप्शन बी वाले को ध्यान से समझ गए यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नाइन्थ के लिए कॉस आ चुका है ऐसे ही कॉस बीटा भी आ जाएगा क्योंकि तो अल्फा और बीटा इक्वल हैं ऐसे ही गामा भी आ जाएगा तो डायरेक्शन क्या होते हैं कॉस अल्फा कॉमा कोस बीटा कॉमा कोस गामा तो कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू समझ गए ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ फॉर द लाइंस दो लाइंस हैं और इनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी आपको यह बताना है लाइंस को ध्यान से देखना फर्स्ट लाइन को देखिए फर्स्ट लाइन में से x माइनस बी अपॉन इक्वल्स जेड आएगा इसी तरीके से यहां से आप देखेंगे जेड की वैल्यू क्या आएगी तो y माइनस डी अपॉन सी इसे हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं x- माइनस बी अपॉन ए फिर इसके बाद y- माइनस डी अपॉन सी फिर ये आपका डायरेक्शन रेशोज की वैल्यू आ चुकी है a. c. सी कोमा वन सेकेंड लाइन को देखते हैं सेम स्टोरी यहां पर भी हमें करनी है बेटा तो ये बनेगा x- माइनस बी वन अपॉन ए वन ठीक है ये z के इक्वल आएगा इसको साइड में रखो फिर यहां से भी जेट निकालोगे तो ये बनेगा वाई माइनस डी वन अपॉन सी वन नीचे वन लगाओ यानी इसके डायरेक्शन रेशो की वैल्यू है ए वन सी वन एंड वन ठीक है दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस अभी हम डिस्कस करके आए हैं किसी क्वेश्चन में ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू तो जीरो ठीक है तो यहां से क्या बनेगा ए इंटू ए वन प्लस सी इंटू सी वन प्लस वन इंटू वन इक्वल टू जीरो ए इंटू ए वन प्लस सी इंटू सी वन प्लस वन इक्वल टू जीरो ऑप्शन बी को देखिए क्वेश्चन टेंथ का ऑप्शन बी सही हो जाएगा ध्यान से देखो मेरी बात समझे कि नहीं ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ क्वेश्चन इलेवन ये रहा आपके सामने इसमें क्या बोला हुआ है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट इज फोर तो आपको इसका जेड कोऑर्डिनेट बताना है आज की क्लास में ऐसा क्वेश्चन हो चुका है फिलहाल मैं यहां पर लाइन पी क्यू की इक्वेशन लिखूंगा तो ये बनेगा आपका x माइनस टू वाई माइनस टू जेड माइनस वन नीचे हम लिखेंगे डायरेक्शन रिशो की वैल्यू यानी फाइव माइनस टू दैट इज थ्री वन माइनस टू यानी माइनस वन माइनस टू माइनस वन यानी माइनस थ्री इसे पूरा हम लमडा के इक्वल रख देंगे यहां से हम रेंडम पॉइंट लिखेंगे जिसे अगर मैं पॉइंट ए मान लूं तो बनेगा थ्री लेमडा प्लस टू माइनस लेमडा प्लस में टू माइनस थ्री लेमडा प्लस में वन अब ये जो पॉइंट तुमने लिखा है ये आपके लाइन पी क्यू के ऊपर है इस रेंडम पॉइंट ए में आपको एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है फोर के इक्वल ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट यानी थ्री लेमडा प्लस टू ये फोर के इक्वल है यहां से लेमडा आपको मिल रहा है टू बाई थ्री और आपसे जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी गई है जेड कोऑर्डिनेट का मतलब है वन माइनस थ्री लेमडा वन माइनस थ्री लेमडा इज टू दैट मीनस माइनस वन ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा ध्यान से देखिए ठीक है लेमडा की वैल्यू को पुट करेंगे आपको मिलेगा वन माइनस टू यानी माइनस वन दैट इज ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन ट्वेल्व को देखते हैं बेटा क्वेश्चन ट्वेल्व ये रहा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड मेक्स एंगल्स सिक्सटी डिग्री वन ट्वेंटी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली देन द लाइन इन द कर्टीजन फॉर्म इस पॉइंट को अगर हम लिखें तो यह बनेगा टू माइनस थ्री फोर ठीक है हमें यहां पर डायरेक्शन एंगल्स की वैल्यू दे रखी है तो हम सबसे पहले डायरेक्शन को साइन लिख लेंगे तो यह बनेगा कॉस सिक्सटी कॉस वन ट्वेंटी एंड देन कॉस

और यहां पर डायरेक्शन को साइंस की वैल्यूज थी वन बाय टू यह था आपका माइनस हाफ और ये था आपका वन बाय रूट टू ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा टू एक्स माइनस फोर ध्यान से देखिए टू एक्स माइनस फोर ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों जगह पर है ऑप्शन डी वाले को आप वैसे ही हटा सकते हो क्योंकि ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा इसमें करते हैं जरा इसमें क्या आएगा ये बनेगा आपका माइनस टू वाई माइनस सिक्स माइनस टू वाई माइनस सिक्स ऑप्शन बी में ही दिख रहा है मुझे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा मतलब ये दोनों ठीक नहीं होंगे ऑप्शन बी वाला ही ठीक होगा बट लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं तो ये बनेगा रूट टू इन टू जेड माइनस फोर रूट टू आप इसे एज इट इज कंपेयर कर सकते हैं ऑप्शन बी में यानी ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा आप कंपेयर कर लो ध्यान से देखो ठीक है बेटा यानी क्वेश्चन ट्वेल्व हो गया क्वेश्चन थर्टीन की तरफ चलते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें क्या बोला हुआ है दो लाइंस हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आपके पास ऑप्शंस में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए हमें दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशोस की वैल्यू चाहिए लाइंस आपके सिमेट्रिक फॉर्म में है क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड की कोफिशंट आप देख रहे होंगे वन है इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो कोई नहीं इसको हम ठीक कर लेंगे जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव कर लेंगे मतलब इस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशोस की वैल्यू इजीली मिलेंगी इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और फिर डायरेक्शन रेशोस की वैल्यू थ्री के कोमा वन कोमा माइनस फाइव फॉर्मूला आपको पता ही है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू क्या होगा तो जीरो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशोस में यह कंडीशन लग जाती है यहां से हम यूज करना शुरू करेंगे बेटा तो माइनस थ्री इन टू थ्री के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू डायरेक्ट कर रहा हूं से देखना माइनस का नाइन के आएगा प्लस का टू के आएगा फिर माइनस का टेन आएगा ये पूरा जीरो अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो टू के माइनस नाइन के यानी माइनस का सेवन के माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हो आपको मिलेगा सेवन के प्लस टेन इक्वल टू जीरो सेवन के प्लस टेन इसको मॉडिफाई करके देखना मतलब माइनस टेन को इधर लेवन के प्लस टेन इक्वल टू जीरो ही आएगा यानी थर्टींथ का ऑप्शन ए सही हो जाएगा ध्यान से देखो मेरी बात समझे कि नहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं बेटा क्वेश्चन फोर्टीन ये आ गया आपके सामने क्या बोला हुआ है द एंगल बिटवीन द लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशोज आपके पास हैं तो आपको लाइंस के बीच का एंगल निकालना है कॉस्थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट में ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू स्क्वायर फॉर्मूला बोल के बताया है लिख के नहीं दिखा रहा हूं डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे तो यहां से हम न्यूमरेटर में करेंगे ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी नीचे क्या आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी टू अंडर रूट ऑफ बी माइनस सी हॉल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए हॉल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी हॉल स्क्वायर अब यहां से स्क्टर वाले को सिंप्लीफाई कर लूंगा साइड में करके दिखा रहा हूं ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी ठीक है न्यूमोरेटर वाला सेपरेटली सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल हो गया प्लस बीसी माइनस बी सी कैंसल हो गया प्लस सी ए माइनस सी ए कैंसिल हो गया कहने का मतलब पूरा न्यूमरेटर वाला जीरो आ जाएगा जीरो, दिस विल बी जीरो, थीटा की जीरो मिली है मतलब थीटा आ जाएगा, पाई बाई टू ऑप्शन सी में यही आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन फोर्टीन का आंसर आपके पास आ गया है बच्चों ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन को लेते हैं क्वेश्चन फिफ्टीन ये रहा क्या बोला हुआ है द डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस लाइन इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज लिखने हैं लेकिन लाइन किस फॉर्म में है ध्यान से देखिए ये तो कर्टिजन इक्वेशन ऑफ लाइन की तरह लग रहा है लेकिन ये क्या है ध्यान से समझना बेटा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको याद हो तो आपके पास एक कंडीशन ऐसी आती है इनफैक्ट दो इक्वेशन और होती है ना पैरामीट्रिक में एक ये होती है एक होती है, एक होती है ये वाली तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हम ये वाली कंडीशन यूज करने वाले हैं हमें दिया हुआ है z इक्वल्स माइनस वन इसे आप ऐसे लिख लो तो यहां से आपको मिलेगा z प्लस वन अपॉन जीरो समझे कि नहीं इक्वेशंस ऑफ लाइन के बाद ही तो से कंपेयर करके वहां से डायरेक्शन रेशोस निकालेंगे यह ध्यान रखना कि यहां पर जीरो से डिवाइड नहीं हो रहा है यह बेसिकली डायरेक्शन रेशोस को दिखा रहा है यानी आप अपने लाइन को अब सिमिट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉइन टू इसमें आपको वाई का कोफिशियंट वन बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा टू से न्यूमोरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ऊपर ऐसा मिल जाएगा नीचे आपको मिलेगा माइनस थ्री बाई टू और यह तो हमने सिंपलीफाई कर लिया जेड प्लस वन नीचे है जीरो जैसा कि मैंने कहा यह जीरो डिवीजन को नहीं दिखा रहा है डिनोमिनेटर में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं यह है ए ये है बी और यह है सी यानी डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस लाइन ठीक है तो यहां पर डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू क्या मिली है टू कोमा माइनस थ्री बाई टू कोमा जीरो अब ये आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है मतलब इस पूरे में अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा फोर माइनस थ्री जीरो ऑप्शन बी में आपको यही दिख रहा होगा यहां पर मैच कर सकते हो समझे डायरेक्शन रेशियोज के सेट को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं बस जीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड मत कर देना मैंने यहां पर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके लिख लिया ताकि ऑप्शन बी वाला मुझे दिख जाए ठीक है ऑप्शन बी से मैच हो जाए क्वेश्चन हो गया है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन इसमें क्या है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरल टू दिस वेक्टर एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट वन माइनस टू माइनस वन फॉर्मूला सिंपल सा लगेगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस और यहां पर भी दिख रहा है ऑप्शन ए और डी को हटा दो ठीक है अब वैक्टर बी को ढूंढते हैं थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप यानी ऑप्शन बी में तो मिल गया मुझे यहां पर आप देख लो ऑप्शन सी में गड़बड़ कर दी गई है यानी क्वेश्चन सिक्सटीन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा ठीक है डन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेवनटीन को लेते हैं अब वैसे तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला हुआ है ना दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ये कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है अल्फा टेस्ट सीरीज ऑफ दिस चैप्टर जाके चेक कर लेना एटीएस इलेवन ठीक है आपको पता चलेगा कि कितना लेंदी कंसेप्ट है ये लेकिन यहां पर एमसीक्यू में दे रखा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पेपर इज लेंदी पेपर इज आउट ऑफ सिलेबस वेल वेट करो समझा रहा हूं कैसे सॉल्व होगा इन ऑप्शन में जो भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं इन पॉइंट्स को हम अपनी लाइन में पुट करके देखने वाले हैं जो भी पॉइंट दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर देगा बस वही पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, का काम करेगा तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं एक्स की जगह वन डालेंगे वन माइनस वन यानी जीरो अपॉन टू इसमें डालोगे आपको मिलेगा माइनस थ्री अपॉन फाइव मतलब गड़बड़ हो गई मतलब ये तो गया इसको देखते हैं माइनस वन माइनस वन यानी माइनस टू अपॉन टू यानी माइनस वन आएगा इसमें डालेंगे तो ये क्या बनेगा आपका माइनस वन माइनस फोर यानी माइनस फाइव अपॉन फाइव यानी माइनस वन आएगा एक्स वाला तो बिल्कुल सेम आ गया वाई वाले में चेक करते हैं तो ये बनेगा माइनस वन माइनस टू यानी माइनस थ्री अपॉन थ्री ये माइनस वन आएगा है, देखो माइनस वन माइनस वन यानीस टू अपॉन टू यानी माइनस वन ही आएगा बात समझ आ रही है एक्स और वाई वाले सेम आ गए जेड वाले को चेक करते हैं डालिए डालिए यानी यानी आ गया इस वाले में जेड की जगह माइनस वन माइनस वन समझे कहने का मतलब कहने का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं एक्स वाई और जेड की जगह पे वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे आप यहां पर वैल्यूज को मैच करके देख लो समझ गए इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा माइनस वन कोमा माइनस वन कोमा माइनस वन ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा दोनों लाइंस के लिए समझ गए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन को लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी दे आर बेस्ड ऑन असरसन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा इसमें असरसन का स्टेटमेंट दे रखा है आपको द एंगल बिटवीन टू लाइन दो लाइन की इक्वेशन है इनके बीच का एंगल है इनवर्स रीजन के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है एंगल बिटवीन द एंड इज गिवन बाय दिस दिसमुला ये तो बिल्कुल ठीक है रीजन बिल्कुल ठीक है इसी फॉर्मुले का यूज करके मैं एंगल निकालने जा रहा हूं असरसन वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फर्स्ट लाइन है इसके वेक्टर को वेक्टर बी वन बोलो पैरल वेक्टर को और इसे आप वेक्टर b2 बोल दो तो b1 वन डॉट फॉर्मूला देखो b1 वन डॉट और नीचे दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो b1 वन डॉट करेंगे तो क्या आएगा बाहर पहले कॉस इनवर्स लगाओ b1 वन डॉट बी टू आई कैप जे कैप एंड के कैप के कोफिशंट को मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू वन प्लस वन इंटू टू थ्री हो गया माइनस टू इंटू माइनस वन यानी प्लस टू थ्री प्लस टू यानी फाइव आ गया नीचे दोनों वेक्टर के मैग्निट्यूड तो यहां पर अंडर रूट में वन प्लस वन प्लस फोर समझ में 6 आएगा. यहाँ पर करके उसको एड कर रहा हूं पूरे का अंडर रूट यही तो होता है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो यहां पर भी रूट सिक्स आएगा यहां भी रूट सिक्स आएगा नीचे रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स यानी डायरेक्टली सिक्स हो जाएगा यही एंगल असरसन में बताया हुआ है दोनों लाइंस के बीच में तो मतलब ये भी ट्रू हो गया असरसन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरसन ऑप्शन ए में यही लिखा हुआ है ध्यान से देख लो बच्चों बात समझे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन 19 ये रहा इसमें क्या है बच्चों असरसन के स्टेटमेंट में ये लाइन दे रखी है दिस रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन एंड द पॉइंट माइनस थ्री कोमा माइनस थ्री कोमा माइनस थ्री ओरिजन का मतलब ये हुआ दो पॉइंट्स हैं अगर इसको मैं ओ बोलूं और इसे पॉइंट पी बोलूं तो यहां पर लाइन पी के लिए डायरेक्शन रेशोस क्या बनेंगे माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन जिसे आप सिंप्लीफाई करके वन कोमा वन कोमा वन लिख सकते हैं यानी लाइन पी के लिए डायरेक्शन रेशोस की वैल्यू आ गई वन 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 ए बी सी की वैल्यू आ गई है पॉइंट हम ले लेंगे जीरो 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 तो x माइनस एक्स वन ध्यान से देखिए x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बेटा यही तो आ जाएगा दैट मीन्स असरसन का स्टेटमेंट ट्रू है समझे असरसन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रीजन के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है इफ अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू देन इट्स इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ये फॉर्मूला दे रखा है बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स पॉइंट कर दी वाई टू माइनस वाई वन होना चाहिए मतलब रीजन का स्टेटमेंट हो गया फॉल्स असर ट्रू है रीजन फॉल्स है समझे ठीक है छोटी सी गड़बड़ कर दी वरना यहां पर रीजन भी सही हो जाता और रीजन असरसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाता बट अभी ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी असरसन में क्या बोला हुआ है लाइन विच पासिसन कोमा टू कोमा माइनस वन एंड पैरल टू दिस लाइन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा वेट करो जरा रीजन को पढ़ लेते हैं एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी अगर ये कंडीशन होगी हाँ तो ठीक है ये कंडीशन तो हमने आज की क्लास में कई बार यूज भी की है रीजन बिल्कुल सही है असरसन को देखना पड़ेगा फिलहाल मुझे तो सबसे पहले हम इस लाइन के ना डायरेक्शन रेशो निकालेंगे क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है ना इस पॉइंट से पास होने वाली वो इस लाइन के पैरल बोली गई है यहां पर देखिए तो पैरल लाइन के डायरेक्शन रेशो प्रपोशनल होते हैं इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और उस लाइन का डायरेक्शन रेशो लिख लेंगे जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है बाय यूजिंग दिस लाइन ठीक है तो पहले मुझे इसका डायरेक्शन रेशो लिखना पड़ेगा तीनों में थर्टी फाइव से डिवाइड कर दो फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी फाइव फोर्टीन माइनस सेवन वाई अपॉन थर्टी फाइव थर्टी फाइव जेड अपॉन थर्टी फाइव ऊपर से फाइव कॉमन लो नीचे वाला थर्टी फाइव आपको कैंसिल करके क्या दे देगा तो सेवन ऊपर से फाइव भी कॉमन लिया है ध्यान रखना यहां से माइनस सेवन कॉमन लो ऊपर से तो आपको मिलेगा वाई माइनस टू माइनस सेवन कॉमन लेने पे ऊपर मिलेगा वाई माइनस टू और नीचे इसको कैंसिल करके माइनस फाइव दे देगा यहां पर थर्टी फाइव डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा नीचे वन आ जाएगा यानी इस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू आ गई सेवन कोमा माइनस फाइव कॉमा वन यही डायरेक्शन रेशियोज हम उस लाइन के लिए यूज करेंगे जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा जो इस पॉइंट से पास करेगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वैक्टर यानी आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप प्लस टाइम्स वेक्टर बी वेक्टर बी मतलब वो वेक्टर जो कि लाइन के पैरल है जिसको बनाने के लिए हम डायरेक्शन रेशियो का ये वाला सेट यूज करेंगे तो सेवन आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस के कैप बिल्कुल सही है मतलब असरसन भी ट्रू है अब यहां पर क्या हुआ असरसन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरसन यानी ऑप्शन बी यहां पर मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए ध्यान से देखो बच्चों समझे नाउ विथ दैट आई वुड लाइक टू वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ बट बिफोर दैट ट टू हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ यसमेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे ठीक है बच्चो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बी गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट